हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं आप लोगों के साथ काली दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक काली दाल लिया है और दाल में नॉर्मल बनाऊंगी, हल्दी और नमक डाल के दाल को अच्छे से उबालूंगी। तो दाल को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था और जिसे मैंने धो रखा है। तो चलिए दाल बनाते हैं सबसे पहले, और दाल बनाने में मैंने क्या क्या लिया है ये भी आपको साथ में बताते रहूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले तो गाइस, मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है दाल को डाल के, और इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। बहुत ही झटपट ये काली दाल बन जाएगी। और साथ में मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी और दो छोटी इलायची। तो चलिए इसको इस पे ऐड करते हैं और हम कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और इसे 3 से 4 सीटी, सबसे पहला सीटी तो मैं इसे हाई फ्लेम पे दिलाऊंगी, फिर उसके बाद गैस को सीम पे कर दूंगी। तो चलिए काली दाल कैसे बनाते हैं मैं ये आपसे स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूंगी। काली दाल के तड़के के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च, 3 प्याज, बटर लिया है, और तड़के में मैं जीरा का तड़का लगाऊंगी। मसाला मैं यूज करूंगी काश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया दाल बनाने में। तो सबसे पहले चलिए इन सबको मैं चॉप कर लेती हूँ, फाइन चॉप करूंगी। ये मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज को फाइन चॉप कर दिया है, पहले सीटी आ चुकी है। तो गैस को हम सिम पे करते हैं और चलिए तड़के की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि तड़के के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज को अच्छे से काट लिया है। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें बटर ऐड करते हैं सबसे पहले। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। बट जब तक मैं बटर मेल्ट हो रहा है अच्छे से, और इधर साथ में मैंने गैस पर हमारा कुकर भी रखा हुआ है। काली दाल जो होती है वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, गैस को थोड़ा कम कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें सारा प्याज डाल देती हूँ, अच्छे से फ्राई हो जाए। कढ़ाई में मैंने प्याज को डाल दिया है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इधर मेरा प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसमें मैं हल्का सा नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप याद रखिएगा कि आपने दाल में भी डाला है, बस हल्का सा, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए।
साथ में मैंने चाइनीज बना दिया है। चलिए प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर को ऐड करती हूँ। टमाटर डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को हल्का सा चला लेते हैं। टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा ही डाला है मैंने। इसे भी हम अच्छे से पका लेते हैं। अच्छे से टमाटर को हम मैश करेंगे। और भी मसाला ऐड करती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च से सिर्फ कलर आएगा तो मैंने 1.5 दिया है। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। वन टीस्पून धनिया पाउडर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। गैस को कम कर देते हैं। मसालों को बहुत ही अच्छे से मसालों को फ्राई करते हैं। इधर दाल भी हमारा दूसरा सीटी लेने को तैयार हो चुका है। मसाले को सिम पे करके हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए। टमाटर को अच्छे से मैश कर देते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए सिम पे गैस को सिम करके कवर कर दिया मैंने कि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। तब तक हमारा दाल भी इधर तैयार हो जाएगा। ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए तब तक हम अपना दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो दाल हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इधर हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब दाल को हम इस तड़के में ऐड करते हैं। थोड़ा सा ठीक हो गया, बहुत गाढ़ा लग रहा है गाइस, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये हमेशा दाल बना है हमारा काली दाल। तो इसी कुकर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस पानी को इस दाल में ऐड कर दे रही हूँ। दाल को गलाने में मुझे अच्छे से 5 से 6 मिनट का टाइम लग चुका था गाइस, क्योंकि काली दाल गलने में थोड़ा टाइम लेता है। और आप देख सकते हो इसका कलर कितना ही अच्छा दाल में आया हमारा। इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। ये दाल हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। इसमें मैंने जो गरम मसाला डाला था इसे नहीं निकाला है। अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले ही दाल बनने के बाद इसे निकाल सकते हो, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए मैंने नहीं निकाला है। दाल हमारा बहुत अच्छे से उबल चुका है, तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। काली दाल मैंने बना के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी दिख रहा है। यह जो मैंने रेसिपी काली दाल की आज आप लोगों के साथ शेयर की, ये मेरी खुद की रेसिपी है। मैं बिल्कुल इसी तरह से काली दाल बनाती हूँ गाइस, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसकी रेसिपी। तो अगर आपको अच्छा लगा वो मेरा बनाने का यह तरीका, काली दाल बनाने का तरीका, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। बाय फ्रेंड्स।